निर्यापक मुनि पुंगर श्री सुदासागर जी महाराज सत्संग के दर्शन हेतु एवं मंदिर आगमन के लिए 25 नवंबर को पश्चिमपुरी मंदिर कमेटी गुरु चरणों में निवेदन करने पहुंची। इस दौरान कमेटी ने सामूहिक रूप से श्रीफल भेंट कर मुनिश्री से मंदिर आने का निवेदन किया। 25 नवंबर को निर्यापक मुनि पुंगर श्री सुदासागर जी महाराज के विख्यात जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आगरा के पश्चिमपुरी दिगंबर जैन समाज के साधर्मी बंधुओं ने मुनिश्री के समक्ष श्रीफल अर्पित कर पश्चिमपुरी में गुरुवर द्वारा पदार्पण करने का निवेदन किया। मुनिवर ने भी भक्तों को आश्वासन दिया है कि वे उनके निवेदन को स्वीकार कर आने का प्रयास करेंगे। मेरे पास समय कम है, यहाँ सैलियाँ ज़्यादा हैं और समय ठंड का है, कितना कर पाऊँगा मैं, अपनी शक्ति छुपाऊँगा नहीं, कितना कर पाऊँगा वो अब मैं कह नहीं सकता, फिर भी देखता हूँ। पश्चिमपुरी के श्री हजारार चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जैन ने मुनिश्री से किए गए निवेदन के संदर्भ में अपनी आशा व्यक्त करते हुए अपने भाव साझा किए। आज पश्चिमपुरी शैली के सभी धर्म प्रेमी बंधु गुरुवर सुदासागर महाराज के चरणों में श्रीफल अर्पित करने आए और सबने यही अभिलाषा व्यक्त करी, हे गुरुवर, हमारे मंदिर को भी आपका सानिध्य मिले, शांति धारा की विधि सीखें और अभिषेक करना सीखें आपके। ये तो हमारा एक बहाना है, हमारी इच्छा है गुरुवर के चरण हमारे मंदिर बने। इस अवसर पर श्री पंकज जैन जी ने कहा कि हमने श्रीफल अर्पित किया है, आशा है कि हमें जल्द ही धर्म लाभ लेने का अवसर मिलेगा। आज हम सभी पश्चिमपुरी शैली के सभी लोग यहाँ आए थे और महाराज श्री से हम सब ने निवेदन किया कि वे पश्चिमपुरी शैली के मंदिर में आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद दें, जिससे हम अभिषेक विधि वगैरह किस तरह से सही तरीके से किस विधि से करना है वो हम सभी विधि से करना सीख सकें। पश्चिमपुरी जैन महिला समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती सीमा जैन ने कहा कि आगरा में महाराज जी हैं, हम तो चाहेंगे कि वह पश्चिमपुरी में अवश्य पधारें। आज पश्चिमपुरी मंदिर की तरफ से सभी भक्तजन महाराज जी के चरणों में श्रीफल भेंट करने आए और अभिलाषा व्यक्त की कि हमें अभिषेक की विधि बताई जाए और महाराज जी हमारे मंदिर में दर्शन हेतु आएँ, जिसका धर्म लाभ हम सबको मिले। और इसी जिज्ञासा के साथ हम लोग आज मंदिर में एकत्रित हुए और गुरु का आशीर्वाद पाया और सभी ने भक्तिभाव से आरती भी की। गुरुवर से मिले आशीर्वाद के बाद पश्चिमपुरी शैली के सदस्यों को मुनि पुंगश्री की मंगल आरती उतारने का सौभाग्य मिला। सभी भक्त गुरुवर की मंगल आरती में झूम आनंद उठाते दिखे।